एक गांव में दिव्या नवदीप नाम के पति पत्नी पानी पूरी बंडी चलाते थे। नवदीप पूरी खुद तैयार करता था, दिव्या स्पेशल मसाले से पानी बनाती थी। उनके पानी पूरी का स्वाद अद्भुत होने से लोग उनके पास ही आकर खाते थे। वो देखकर उनके बंडी के सामने जो होटल ओनर नितिन था, उसे बहुत जलन होती थी। एक दिन एक पत्रिका वाले दिव्या नवदीप पानीपुरी के बंडी के पास आए। वो उनसे, हमारे पत्रिका में आपके बारे में छोटा आर्टिकल लिखने की सोच रहे हैं। इतने छोटे से गांव में एक छोटा पानीपुरी बंडी लगाकर इतने फेमस कैसे हुए आप? आपके इस जीत का कारण क्या है? यूं पूछा नवदीप। असलियत तो ये है कि मेरी जीत का कारण है मेरी पत्नी दिव्या। मैं सिर्फ पूरी बनाता हूँ, वो स्वादिष्ट मसाला पानी की वजह से ही हमारे पानी पूरी को इतना पसंद करते हैं। ऐसे कहा तब दिव्या, बस करिए आप बिना, अगर पूरी अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनाए जाते तो पानी चाहे जितना भी अच्छा बनाए कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए हमारे विजय का यही कारण है जी। यूं बोली पत्रिका वाला। जितना मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि आप दोनों के बीच का प्यार संबंध, एक अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ही आप सक्सेसफुल हुए हो। आप कहीं बिजनेस पार्टनर्स के लिए आदर्श बनोगे। यूं कहा। ये सब नितिन ने देखा। नितिन अपने असिस्टेंट मोटू से, मुझे एक आइडिया आया है रे, इन दोनों के बीच में कोई बहस या अहंकार नहीं होने के वजह से ही इनका व्यापार अच्छे से चल रहा है। अगर हम इनके बीच झगड़ा करवा दे तो इनका व्यापार गिर जाएगा, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करो। कहते हुए उसे कुछ कहा। एक दिन दिव्या बंडी के पास अकेले थी। मोटू उसके पास जाकर, क्यों दीदी, जीजा ठीक रविवार है देखकर गांव गए हैं क्या? क्यों गए हैं मैं जानता हूँ। कहकर हंसने लगा। तब दिव्या, क्यों गए रे, मुझसे कहा कि अर्जेंट काम है? यूं बोली मोटू, आजकल जीजा जी को उनके साथ आपका भी नाम आए ये पसंद नहीं है दीदी। कल न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया तब से उन्हें चिढ़ मच रही है। ये बात आपके सामने तो नहीं दिख रही है लेकिन गाँव में सबसे कहते हैं। जानते हो आज बहुत भीड़ होगी ना, जब वो नहीं होंगे तो आप व्यापार कैसे करोगे, ये देखने के लिए जानबूझकर गांव गए हैं। अब ये सब मन में मत रखो दीदी, जीजा है तो अच्छे इंसान ही, सिर्फ आपसे ज्यादा महान है ये सोचते हैं। यूं कहा। वो सुनकर दिव्या गुस्सा हो गई। उस रात आए नवदीप से दिव्या, हर रविवार से आज मैं ज्यादा पानी पूरी बेची हूँ जानते हो? यूं बोली नवदीप। ओ वेरी गुड, अच्छी बात है ना? दिव्या, क्या मजाक कर रहे हो, आप नहीं हो तो मैं व्यापार नहीं कर सकती, ऐसे सोचते हो ना आप? यूं बोली नवदीप। ये क्या बोल रही हो तुम, अगर मुझे ये लगता कि तुम व्यापार नहीं कर सकती तो मैं गांव ही क्यों जाता, क्या हुआ आज ऐसे पागल जैसे बात कर रही हो? दिव्या, हाँ जी मैं पागल ही हूँ, इतने दिन आप अच्छे हो सोचकर मैं अपने टैलेंट के बारे में नहीं बताती थी, बेकार में आपके कटारा पूरी की तारीफ करती रही। छोटे छोटे इन पूरियों में क्या है, छोटा बच्चा भी बना देगा, सारी अच्छाई मेरे पानी में ही तो है। यूं बोली नवदीप। ओहो, अब तक तुम मेरे बारे में ये सोचती रही और ऊपर से मुझे महान बनाती रही। आज तुमने ये सब कहा इसलिए मैं एक चैलेंज करता हूँ। छोटे छोटे पूरी तो कोई भी बना सकता है, कहा ना, मैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पानी पूरी बनाऊंगा। तुम उतना सारा पानी मसाला सब तैयार करके मिला सकोगी क्या? दिव्या, उसमें क्या है, आप पहले पूरी तैयार करके दिखाइए, मैं उसके बराबर का पानी मिनटों में तैयार करूंगी। यूं बोली। दो दिन मेहनत करके नवदीप एक बड़ा सा जायंट पानी पूरी तैयार करके गांव के बीच रखा। उसका नाम रखा बाहुबली पानी पूरी। दिव्या तुरंत टैंकर में मसाला पानी मंगवाई, पाइप के द्वारा उस पानी पूरी में पानी डाली। ऐसे बाहुबली पानी पूरी तैयार हुआ। लोग वो देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। सब प्लेट लाकर उसमें से पानी पीने लगे। वो पूरी के टुकड़ों को भिगाकर खाने लगे। वो पानी पूरी के वीडियोस मीडिया वाले निकालने लगे। इस तरह वो बाहुबली पानी के बारे में पूरी दुनिया जान गई। गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले फॉरेन से आकर उस पानी पूरी को देखे। वाओ ग्रेट,
वर्ल्ड्स बिगेस्ट पानी पूरी कहकर दिव्या नवदीप को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाए। ये सब देख रहे नितिन मोटू का दिमाग खराब हो गया। नितिन, अरे लोकल न्यूज़पेपर तक जाने वाले लोगों को झगड़ा करवा कर गिनीज बुक तक पहुंचा दिए नारे, अब हम उनके आगे नहीं टिक सकते रे। यूं कहा दिव्या नवदीप। ये बात जानकर मोटू नितिन को खूब मारे। तब से उनका पानी पूरी व्यापार 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। वे भी बाहुबली पानी पूरी बनाकर लोगों के बीच कभी कभार मुकाबला भी करवाते थे। ऐसे दिव्या नवदीप खूब धनवान बन गए। एक गांव में मंगेश नाम का एक जेसीबी चलाने वाला आदमी हुआ करता था। मंगेश को चार्मी नाम की पत्नी और डब्बू नाम का एक बेटा था। डब्बू अगर जेसीबी घर के पास होता तो वो जेसीबी पे चढ़ के कहकर स्टीयरिंग घुमाते हुए खेलता था। एक बार डब्बू जेसीबी को चालू करके उसे रोड के ऊपर चलाने लगा। ये देखकर मंगेश घबरा गया और उस जेसीबी के पीछे भागने लगा। जैसे तैसे उस जेसीबी को घर लाया मंगेश चार्मी से। देखो री, इतने दिन ये खेल रहा है सोचकर मैं चुप रहा था, तो ये आज जेसीबी को गांव के अंदर ले गया, रास्ते में आए चीजों को उड़ाने लगा। रे, एक और बार जेसीबी पे चढ़े तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, निकम्मे कहीं के, कहा डब्बू तब। मुझे ये जेसीबी चाहिए, मैं इसे चलाना सीख गया हूँ, अब से आप मेरे बदले स्कूल जाइए, मैं जेसीबी चलाऊंगा, कहा मंगेश चार्मी से। कोई भी डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए सोचता है, मगर कभी भी एक जेसीबी ड्राइवर अपने बेटे को जेसीबी ड्राइवर बनके मेहनत करने के लिए नहीं सोचता। ये बड़ा होकर कुछ तो हासिल करेगा, इस आस में जी रहा था मैं, देखे तो ये मेरे जैसे ही बनेगा लग रहा है, अब इसका क्या करेंगे, कहा चार्मी। बड़ा होने की बात बाद में सोचेंगे, पहले इससे जेसीबी की चाबी छुपाने के लिए देखिए, बोली। थोड़े दिनों के बाद उस गांव में बड़े बड़े निर्माण होना पूरी तरह से बंद हो गया और मंगेश को काम ही नहीं मिल रहा था। एक बार मंगेश चार्मी से, अपनी स्थिति इतनी बदतर होगी कहकर मैंने कभी नहीं सोचा तारी, एक साल तक हमें आसपास कहीं काम नहीं मिलेगा री। EMI लेने के लिए रिकवरी एजेंट्स फोन में, व्हाट्सएप में, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी मुझे धमका रहे हैं। इस जेसीबी को बेचने के लिए सोचे तो भी इसे खरीदने कोई तैयारी नहीं है, कहा डब्बू तब। मैंने पहले ही कहा था, अगर ये जेसीबी मेरे हवाले किए होते तो हमारी स्थिति आज ऐसे नहीं होती थी, कहा चार्मी तब। तुम मुंह बंद करो रे। ओजी, आप कुछ गलत नहीं समझेंगे तो एक बात बताऊं क्या, आप थोड़े दिन कोई दूसरा व्यापार करिए, उन पैसों से हम जी सकते हैं और इसका EMI भी भर सकते हैं। इससे पहले आप चिकन की दुकान चलाते थे ना, फिर से दुकान खोले तो कैसे रहेगा, पूछी मंगेश तब। क्या चिकन की दुकान खोलूं, उसमें ठीक से मुनाफा नहीं मिल रहा है सोचकर ही मैंने उसे छोड़ दिया था नारी। सुना है कि आजकल मुर्गी फार्म वाले मुर्गियों के अंदर हवा भर के उन्हें बड़ा करके बेच रहे हैं, चिकन शॉप लगाए तो अपना किचन भी नहीं चलेगा री, कहा। अगले दिन सुबह मंगेश और चार्मी घर के बाहर देखे तो वहाँ पर जेसीबी नहीं था। मंगेश तब, सब सत्यानाश हो गया री, लगता है डब्बू जेसीबी चलाते हुए कहीं गया है री, अब कैसी आफत लाएगा समझ नहीं आ रहा है, रुको उसे मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ, कहा। डब्बू उस जेसीबी को चलाते हुए जंगल के रास्ते से जाने लगा। एक जगह पर उसे एक बड़ा सा अंडा दिखाई दिया। डब्बू उसके पास रुककर थोड़ी देर सोचा। वो उस मुर्गी के अंडे को जेसीबी के आर्म से पकड़कर लौटकर वापस आने लगा। ऐसे वो उस बड़े से अंडे को घर लाया। मंगेश चार्मी उसे देखकर दंग रह गए। डब्बू नीचे उतरकर, मम्मी डैडी मुझे ये अंडा जंगल में मिला है, इसे संभाल कर रखे तो इसके अंदर से एक जेंट मुर्गी आएगी, उसके द्वारा हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, कहा। दो दिनों के बाद वो जेंट अंडा टूट गया और उसके अंदर से एक जेंट मुर्गी बाहर आई। बाहर आते ही उस मुर्गी ने एक जेंट अंडा दिया। वो तीनों उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए।
मंगेश उस मुर्गी को मारकर उसके पंख निकाला और उस स्किनलेस जायंट मुर्गी को जेसीबी के आर्म से बांधा। उस जेसीबी को गांव के चौरास्ता के पास लाकर रखा। लोग आश्चर्य होकर देखने लगे। मंगेश एक बड़े से चाकू की मदद से उस चिकन का मांस काटने लगा। चार्मी और डब्बू मांस बेचकर पैसे लेने लगे। ऐसे आए दिन उस जायंट अंडे के अंदर से चिकन बाहर आने लगी और वो फिर एक जायंट अंडा देने लगी। मंगेश उस चिकन को जेसीबी से बांधकर उसका मांस बेचने लगा। ऐसे वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे। एक बार मंगेश और चार्मी डब्बू का अभिनंदन किए। डब्बू, डैडी मम्मी आप घबराइए मत, मैं अब से बड़ा होने तक जेसीबी नहीं चलाऊंगा। अच्छे से पढ़कर एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा। उस दिन जेसीबी ले जाने की वजह ये थी कि मुझे एक दिन पहले एक बड़ा जेंट अंडा मिले जैसे ख्वाब आया। ख्वाब में दिखे रास्ते से ही मैं अंडा ढूंढते हुए गया। मेरा सपना सच हुआ है। कहा मंगेश और चार्मी भगवान को नमस्कार किए।